Student, this is next assignment in context with atomic physics. Very important questions are included in this assignment. Question number first is the lowest frequency of spectral line in the Lyman series of hydrogen atom has wavelength lambda is 1216 angstrom. Two parts he has asked in first question. First A part is identify transition which gives rise to this line having wavelength 1216 angstrom. B part is also explain Bohr's atomic theory briefly and use Bohr theory to evaluate wavelength of the corresponding line in emission spectrum of singly ionized helium. स्टूडेंट ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे, ये गैप ज्यादा होता था, फिर गैप और कम, फिर और कम, और आखिर में इन्फिनिटी पे आके कंटिन्यूम बनता था. और ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि ये ट्रांजिशन इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 पे आ रही है. लाइमन सीरीज में जितनी भी ट्रांजिशन है n इक्वल टू 1 पे टर्मिनेट होती है. तो जो ट्रांजिशन इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 पे आती है वो लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट होती है. और ये चूंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ मिनिमम है. और लाइमन सीरीज का ये जो फर्स्ट मेंबर आएगा एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1, जिसको हम लाइमन सीरीज का अल्फा मेंबर बोलेंगे. लाइमन सीरीज का जो सेकंड मेंबर आएगा वो 3 से 1 आएगा, जिसको हम लाइमन सीरीज का बीटा लाइन बोलेंगे, एंड सो ऑन सो फोर. तो लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है इसको हम बोलते हैं अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दैट कोरस्पोंड्स टू स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस. स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा. उसने क्वेश्चन में पूछा कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी लोएस्ट एनर्जी में मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ये है. तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी 1 बाय लैम्डा सफिक्स मैक्सिमम इक्वल टू आर, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. क्योंकि अगर ट्रांजिशन n2 से n1 हो, ये n2 है, ये n1 है, ये इनिशियल ये फाइनल, तो अगर ट्रांजिशन n2 से n1 है तो हमेशा ये इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल क्वांटम नंबर स्क्वायर. और लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन ये कहां पे टर्मिनेट हो रही है, 1, तो 2 से 1, तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, तो r इंटू 3 बाई 4, टेकिंग रेसिप्रोकल 4 बाई 3 r. स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट व्हिच इज 912 एंगस्ट्रॉम. तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो 1216 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज गिवन. तो इसका मतलब 1216 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ कौन सी ट्रांजिशन को कोरस्पॉन्ड करेगी, n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1. देयरफॉर ट्रांजिशन इज बिटवीन n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1. सो वी हैव आइडेंटिफाइड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इज बिटवीन 2 टू 1. फिर उसने कहा कि इवेल्यूएट वेवलेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम. बोहर थ्योरी तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, थ्रेड थ्योरी में मैंने बताया था. सो ट्रांजिशन इज बिटवीन 2 टू 1, तो ये n2 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी e2, n1 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी e1, n2 इनिशियल यानी 2, n1 फाइनल यानी 1, और 1 बाई लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. नाउ ही हैज आस्क्ड मी सिंगली आयनाइज हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर z यानी 2 इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल, लैम्डा इज 1 बाई 3 r, 1 बाई r इज 912 एंगस्ट्रॉम, सो 304 एंगस्ट्रॉम बी पार्ट का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट का, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर h सबशेल. आप जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन s p d f g h, s के लिए l0, f के लिए l3, h के लिए l5, तो l वैल्यू ऑफ l इज हाउ मच फॉर h सबशेल 5, और m सफिक्स l क्या होता है 2l+1, क्योंकि m सफिक्स l की वैल्यू कहां से कहां होती है, माइनस l से लेके l, सो 2 × 5+1 यानी 11. सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इज 11. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम. फॉर्मूला आपको बताया, न्यू बार इज वेव नंबर व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ r सफिक्स इंफिनिटी z स्क्वायर इनटू 1 बाय n सफिक्स f स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 ओवर n सफिक्स i स्क्वायर. r सफिक्स इंफिनिटी का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, व्हेन आई से मास ऑफ न्यूक्लियस इज इंफिनिटी यानी न्यूक्लियस इज स्टेशनरी यानी इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट विद n सफिक्स i इज ग्रेटर देन n सफिक्स f. रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10937 सेंटीमीटर इनवर्स,
तो इलेक्ट्रॉन जंप्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 2, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल स्केयर माइनस इनिशियल स्केयर, साथ में आर और हाइड्रोजन एटम का जेड 1, तो आर इंटू 3/16 रेसिप्रोकली है, 1/r की वैल्यू जस्ट आई टोल्ड यू 912 एंगस्ट्रॉम, सो 16/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू दिस, सो दिस कलर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ इज व्हाट, ब्लू. And the fourth question, how many electrons in atom may have? How many electrons in atom may have for this quantum number? N equal to 5 and spin magnetic quantum number is minus half. N equal to 5, तो L की possible value student कहाँ से होती है? 0 से N minus 1, यानी 0 से 5 minus 1, यानी 0 to 4, यानी 0 to 4 mean 0, 1, 2, 3, 4. 0 mean S, 1 mean P, 2 mean D, 3 mean F, 4 mean G. S can accommodate how many electrons? 2 electrons. P can accommodate how many electrons? 6 electrons. D can accommodate maximum of 10 electrons. F can accommodate 14 electrons. Little g can accommodate 18 electrons. And for your kind information, H subshell can accommodate 22 electrons. But yahan to hume 4 tak hi hai, to total inko add kiya to 50 aa gaya. And student, in atomic physics, you don't have 1 p state. You, in atomic physics, you have 2s and 2p and so on and so forth. बट एटॉमिक फिजिक्स में 1 पी नहीं आता, सो हाफ ऑफ दिस 50 आ गया, लेकिन उसने कहा एम सफिक्सेस इज माइनस हाफ, तो 50 में से 25 तो प्लस हाफ को कोरेस्पॉन्ड करेंगे और 25 जो है माइनस हाफ को कोरेस्पॉन्ड करेंगे, तो हाफ ऑफ दिस यानी 25 इलेक्ट्रॉन इज आंसर फॉर एम सफिक्सेस इक्वल टू माइनस हाफ. स्टूडेंट असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम. पॉजिट्रोनियम क्या होता है? बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दे आर फंडामेंटल पार्टिकल, दे बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज लेप्टॉन फैमिली. पॉजिट्रोनियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मुझे बताना है कैसे. हालांकि आई टोल्ड यू पॉजिट्रोनियम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका हाफ होता है, तो -13.6 ओवर एन स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट मीन एन इज 1, और ये हाफ आ गया तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ग्राउंड स्टेट इज एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ D1 एंड D2 लाइन ऑफ सोडियम इज, व्हाट डू यू मीन बाय सोडियम लाइट का ये येलो डबलेट. सो D1 D2 लाइन दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ येलो डबलेट ऑफ सोडियम. सोडियम लाइट का जो येलो डबलेट, उन दोनों वेवलेंथ में 6 एंगस्ट्रॉम का फर्क होता है. मर्करी लाइट के येलो डबलेट में 21 एंगस्ट्रॉम का फर्क होता है. So what is D1 line? D1 line is a line which arises due to transition between 3 2p half to 3 2s half. What is D2 line? D2 line is a line which arises due to transition between 3 2p 3y 2 to 3 2s half. दोनों का terminating common level पे है, लेकिन originate दोनों अलग अलग से हो रही है. So D1 line starting from 3 2p half. D2 line starting from 3 2p 3y 2. But ending on common line. So the ratio of intensities of D1 line, I1 is intensity of D1 light, D1 line, I2 is intensity of D2 line. So ratio of intensity of D1 line to that of D2 line is equal to ratio quantum weight of D1 line and quantum weight of D2 line. Quantum weight of D1 line is decided, quantum weight ka formula kya hota hai? क्वांटम वेट हमेशा किसके बराबर होता है? 2J+1 इज नोन एज क्वांटम वेट. ये J की वैल्यू है. D1 लाइन में J कितना है? हाफ. D2 लाइन में J कितना है? 3/2. तो D1 लाइन का क्वांटम वेट कितना हुआ? 2 × ½+1. D2 लाइन का क्वांटम वेट कितना हुआ? 2 × 3/2+1. तो आंसर इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम 3 2p 3/2 विद न्यूक्लियर स्पिन. हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर स्पिन और आई और जे की इंटरेक्शन होती है. इज हैज हाउ मेनी स्टेट्स? तो 3 2p 3/2, यहां पे जे की वैल्यू कितनी है? 3/2.
आई न्यूक्लियर स्पिन इज हाउ मच 3/2, आई भी 3/2, जे की वैल्यू 3/2, ये मल्टीप्लिसिटी होता है, ये एन की वैल्यू होती है, और एफ जो है इज हैविंग पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू फ्रॉम जे माइनस एफ जो है जे और आई का रिजल्टेंट होता है, और एफ की पॉसिबल वैल्यू जे माइनस आई के मोड से लेकर जे प्लस आई विद डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वन एंड यूजुअल, सो 3/2 माइनस 3/2 से लेकर 3/2 प्लस 3/2 यानी 0 से लेकर 3, तो 0 से लेकर 3 का होता है बीच में 1-1 का गैप, 0 फिर 1 फिर 2 एंड लास्ट इज 3, तो 1, 2, 3, 4 स्टेट्स आ जाएंगे, और हायर एफ कोरिस्पोंड टू हायर एनर्जी, या फिर शॉर्टकट है एफ की पॉसिबल वैल्यू इज डिसाइडेड बाय 2i+1, आई कितना है 3/2, तो 2 × 3/2+1 यानी 4, तो इधर से भी चेक हो रहा है इधर से भी चेक हो रहा है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एटम इज इन 3D 3 स्टेट, एंगल बिटवीन इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, ही हैज डिनोटेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाय एल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाय एस, ये देखिए एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ये इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, कोइनिशियल पॉइंट के थ्रू जो प्रिंसिपल डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट, सो दिस इज एंगल बिटवीन द टू, और आप जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, जे स्टार स्केयर माइनस एल स्टार स्केयर माइनस एस स्टार स्केयर डिवाइडेड बाई 2 एल स्टार का मैग्नीट्यूड एस स्टार का मैग्नीट्यूड एंड जे स्टार स्केयर, वैसे जे स्टार क्या होता है रूट जे इंटू जे प्लस 1, तो जे स्टार स्केयर इज जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल स्टार स्केयर, एल स्टार क्या होता है रूट एल इंटू एल प्लस 1, तो एल स्टार स्केयर क्या होगा एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस स्टार क्या होता है रूट एस इंटू एस प्लस 1, तो एस स्टार स्केयर इज एस इंटू एस प्लस 1 ओवर 2 एल स्टार का मैग्नीट्यूड ये इंटू एस स्टार का मैग्नीट्यूड ये, और 3D 3 स्टेट हमें गिवन है, ऊपर वाला क्या होता है मल्टीप्लिसिटी, नीचे वाला क्या होता है जी, और ये एनर्जी स्टेट कौन सा डी, तो डी एनर्जी स्टेट के लिए एल इज 2, मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था 2s+1, तो 2s+1 की वैल्यू 3 है, तो एस की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जे की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 है, तो यहां जे की वैल्यू 3 रखिए 3 × 3+1 12 माइनस 2 × 2+1 6 माइनस एस 1 × 1+1 2 डिवाइडेड बाई 2 एल की वैल्यू यहां रखिए एस की वैल्यू यहां रखिए रूट 12 सिंप्लीफिकेशन करके 1/√3 सो देयरफॉर वेक्टर एंड डॉट वेक्टर एस क्या आएगा कॉस दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स 1/√3 तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन थैंक यू।